Assalamualaikum viewers, I'm Shehnaz Pirzada, admin by Behr Institute of Information Technology. जो है हमने सीखा था कि टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, और उसके अलावा जो हमने HTML की 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स थी वो हमने लास्ट क्लास में सीखी। Live your life fully. जो हमारा क्लास है वो थोड़ा वेब पेज के हवाले से ही है, और उस वेब पेज पे हम जो बॉडी टेक पे हम वर्क कर रहे होते हैं। आज हम बॉडी टेक के लिए हम जो बॉडी पोर्शन का हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे होते हैं उसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉन्ट जो हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को अगर हम कोई स्टाइल देना चाह रहे होते हैं, टेक्स्ट को अगर हम कोई कलर देना चाह रहे होते हैं, या उसके अलावा टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग जो हम चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है आज की क्लास में मैं जो है नोटपैड की फाइल ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं HTML का टैग लगा रही हूँ, और इस पेज पे मैं जो है बॉडी बैकग्राउंड कलर जो है अप्लाई कर रही हूँ। तो बॉडी टैग ओपन करूँगी, उसके बाद मैं BG कलर अप्लाई करूँगी, और वहाँ पे मैं कलर जो है रेड सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर जो है रेड अप्लाई करूँगी और HTML के टैग को जो है क्लोज कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको सेव कर लूँगी फ़ाइल को, और सेव करने के बाद मैं इसको जो है bg.html के नाम से इसको मैं सेव कर रही हूँ, और सेव करने के बाद जो है मैं इसको ब्राउजिंग करके दिखाऊँगी आपको, और हमारा वेब पेज जो होगा वो रेड कलर में आपको शो होगा। ठीक है, तो ये है रेड वेब पेज, और थोड़ा सा मैं इसको अगेन एडिट कर देती हूँ, और एडिट करने में मैं इसका कलर जो है ब्लैक जो है अभी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाकर आप इसकी एडिटिंग करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप जो है ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से फ्रेश करें, और रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक आ गया है। और अगेन इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कलर जो है ब्लू अप्लाई कर रही हूँ। सेम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे, उसके बाद जो है ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कोडिंग होती है। और अब हम जो है न्यू पेज जो है ओपन करेंगे, फॉन्ट टेक्स्ट के जो कलर्स वगैरह होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट टैग को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं HTML का टैग लगा रही हूँ और बॉडी टैग लगा रही हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ से फॉन्ट टैग ओपन कर रही हूँ। फॉन्ट टैग की जो होती हैं तीन एट्रीब्यूट्स होती हैं, कलर होता है, स्टाइल होती है, और जो साइज़ होती है। तो पहले सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फॉन्ट कलर, कलर प्रॉपर्टी यानी कि एट्रीब्यूट है इसकी। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है अप्लाई कर रही हूँ रेड, यानी कि टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर रही हूँ। प्रीवियस में जो अभी हमने क्लास किया, अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया, उसी में मैंने जो है बैकग्राउंड वेब पेज का जो बैकग्राउंड अप्लाई कर रहे थे कलर में, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये फॉन्ट के ज़रिए वो हम टेक्स्ट का जो कलर होता है उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट के कलर को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ से उन टेक्स्ट के ऊपर जो मैं टेक्स्ट के यानी कि ग्रीन कलर जिसके ऊपर आए वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वेलकम टू Behr इंस्टीट्यूट ऑफ IT। ठीक है, और यहाँ से मैं टैग को जो है फॉन्ट टैग को जो है मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगी। ठीक है, क्लोज करने के बाद सेम वे में मैं इसको सेव करूँगी, सेव करूँगी font.html के नाम से, और ये मैं डेस्कटॉप पे कर रही हूँ। इसको सेव करने के बाद जो है आप इसको ब्राउजिंग करोगे, ब्राउजिंग के बाद जो है आप इसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट जो आप देखोगे इसके, ठीक है, ये फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे फॉन्ट के नाम से। ठीक है, इस फाइल को आप ओपन करोगे, और ओपन थोड़ा वेट करवा रहा है। ठीक है, तो ये वेब पेज है, और इसके इंतज़ार करें थोड़ा, आप भी मेरे साथ आप भी इंतज़ार करें।
ठीक है, ये वेब पेज है आपका और ठीक है। अब स्क्रीन पे देखें आप, इसका जो कलर है टेक्स्ट का ग्रीन कलर आ रहा है और ये टेक्स्ट कलर जो है इसको भी मैं थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ और इसका कलर जो जाके मैं इसी जगह पे यानी कि सेम ग्रीन जगह पे मैं जो टेक्स्ट रखे हुए हैं इनको मैं एडिट कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसको रेड कलर की जो है प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ। तो फॉन्ट कलर में जो मैंने यहाँ पे रेड टेक्स्ट लिखा है और इसको सेम सेव करने के बाद इसको रीओपन करेंगे। रीओपन करने के बाद जो हम सेम देखें टेक्स्ट जो आपके रेड टेक्स्ट हो गए ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको अभी टेक्स्ट बहुत कम नज़र आ रहे हैं साइज़ के हवाले से, तो हम फॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है उसी की साइज़ में जाकर हम टेक्स्ट को थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने टेक्स्ट जो है रेड अप्लाई की है। अब मैं इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं साइज़ इज इक्वल टू 10 ऑलमोस्ट मैं इसकी जो साइज़ सिलेक्ट कर रही हूँ वो 10 नंबर दे रही हूँ। और सेम इसी को सेव करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो स्क्रीन पे आप इसकी साइज़ देख रहे हो ठीक है। साइज़ एज़ कम्पेयर टू पहले की तरह इसमें थोड़ा सा चेंज है ठीक है। और इसके बाद हम इस फाइल को थोड़ा सा जाकर फॉन्ट फेसेस यानी कि टेक्स्ट की जो स्टाइल होते हैं जैसे न्यू टाइम रोमन है या एरियल है या बोल्ड है या उसके अलावा जो कंसोलिडेट है, बहुत सारे ऐसे स्टाइलिंग होती है फॉन्ट टेक के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट फेस अप्लाई किया हुआ है तो इसका थोड़ा सा एक मेथड है, अगर आप इसको डायरेक्ट जाकर यानी कि यहाँ से फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट में जाएं और यहाँ से जो मल्टीपल टेक्स्ट स्टाइल होते हैं यहाँ से आप कोई भी नाम सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल सी प्रेस कर रही हूँ और इसको जो है यहाँ से ठीक है मैं कंट्रोल वी अप्लाई कर रही हूँ यानी कि वो जो टेक्स्ट थे। अच्छा, इसमें आपके टेक्स्ट की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, तो आप खुद भी इसको जो है परफॉर्म करें और प्रैक्टिस करें इसकी। और ये जो है लास्ट वन पे टेक्स्ट जो मेरे फॉन्ट फेसेस हैं जो मैंने अभी अप्लाई किए थे ठीक है। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही है और आप खुद भी प्रैक्टिस करें बेहतर होगा। थैंक यू। तो कैसा लगा आज का क्लास? उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, गेन किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है शेयर कर सकते हैं या मुझे आप अपनी तरफ से जो कोई राय है वो भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है और अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।